यूपी में बीजेपी को मात देने में अखिलेश ने कैसे पाई कामयाबी? अखिलेश ने पर्दे के पीछे की पूरी रणनीति अपनी जुबानी सुना दी। जिस दांव पर कभी शाह को नाज हुआ करता था, उसी दांव की कमजोरी पर अखिलेश ने जीत के लिए अपनी राह बनाई। बीजेपी के एमबाई को टक्कर देने के लिए अखिलेश ने जो किया, उसकी वजह से सपा यूपी में 37 सीटें जीतने में हुई कामयाब। यूपी में 80 में से 80 लोकसभा सीटें जीतने का सपना देखने वाली बीजेपी को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कैसे तहस नहस किया, अब जाकर अखिलेश ने उस पर से पर्दा उठा दिया। अखिलेश ने बीजेपी के एमबाई को मात देने के लिए एक ऐसा कदम उठाया जिसकी उम्मीद बीजेपी को लोकसभा चुनाव के आखिरी वक्त तक नहीं थी। लेकिन कहते हैं, राजनीति की दुनिया में जिसकी उम्मीद किसी को नहीं होती वही होता है। अखिलेश ने भी बीजेपी की उम्मीदों के विपरीत जाकर फैसला लिया और परिणाम सबके सामने हैं। अब तक अपनी जिस रणनीति का खुलासा सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किसी के सामने नहीं किया, उस पर से उन्होंने पर्दा एक शो में उठा दिया। अखिलेश ने बताया कैसे बीजेपी के एमबाई यानी मोदी योगी की राजनीति को चकमा देने के लिए उन्होंने एमबाई को पहले समझाया, इस बार मौके नहीं देंगे तो टेंशन मत लेना। यकीन दिलाने के बाद अखिलेश ने गैर यादव पिछड़ों को टिकट दिया। इस लोकसभा चुनाव में अखिलेश ने सिर्फ 5 यादवों को टिकट दिया, 32 गैर यादव ओबीसी को टिकट दिए, 16 दलित को टिकट दिए, 10 अपर कास्ट को टिकट दिए, 4 मुस्लिमों को टिकट दिए। यह रणनीति अखिलेश ने बनाई, इसका परिणाम जमीन पर दिखा। इससे आगे की पूरी कहानी अखिलेश ने जब उस शो में सुनाई, उसे आप जानेंगे तो यही कहेंगे, अखिलेश ने तो गजबे तरीके से मोदी शाह के भौकाल को धराशायी कर दिया। बकौल अखिलेश, पहले होता यूं था, बीजेपी और उसके सहयोगी लोग हमेशा समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाते थे, उनके पास एमबाई है, इसके अलावा उनके पास कोई वोट नहीं, इसीलिए हमने पीडीए बनाया क्योंकि हमें बीजेपी के एमबाई को हराना था। उनके पास भी एमबाई है, मोदी और योगी, उनके एमबाई को हराना था तो हमने अपनी रणनीति बदल ली, इसलिए पीडीए जो बड़ी आबादी है, 90% के आसपास जिनकी आबादी है, उनकी आवाज बनकर वो गठबंधन बनाया। उस पर लगातार हम लोगों ने काम किया, संविधान की बात की, आरक्षण छीनने की बात की और जिस तरह से उनके साथ भेदभाव कानूनी तरीके से हो रहा है उन बातों को उठाया। उसका परिणाम यह हुआ कि बड़ी संख्या में वो आबादी हमारे साथ जुड़ गई और उसी से बीजेपी का मुकाबला किया। जो सपने देख रहे थे 80 में से 80 सीटों के, वो यूपी की वजह से बहुमत में नहीं आ पाए। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस लोकसभा चुनाव में सपा की जीत पक्की करने के लिए बूथ लेवल पर किस तरह की रणनीति अपनाई, उसके बारे में भी बताया। अखिलेश ने कहा कि पिछले कई चुनाव सपा जीती नहीं थी क्योंकि बीजेपी के पास संसाधन बहुत हैं, उन्होंने ऐसा जाल फैला रखा था, पन्ना प्रभारी उनके बहुत हैं, प्रशासन उनके साथ था, बाहरी लोग उनके साथ थे, उनका जो सहयोगी दल है एक सहयोगी परिवार है, वो लगातार जमीन पर भड़काने की बात, नफरत फैलाने की बात कर रहे थे। इसीलिए जरूरी बनता था सपा के पूरे कैडर कार्यकर्ता को जिम्मेदारी देकर कि भौगोलिक दृष्टि से और राजनीतिक दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से उचित होगा, उसी तरह से संगठन बनाया, उसी तरह का प्रत्याशी तय किया और उन्हीं लोगों को जिम्मेदारी दी, जिसका परिणाम रहा कि बड़ी पार्टी से मुकाबला कर सके। लब्बो लुबाब यही है, बीजेपी को मात देने के लिए अखिलेश ने इस बार अचूक रणनीति बनाई जिसका एहसास बीजेपी को नहीं हुआ, बीजेपी एक तरह से गच्चा खा गई। अखिलेश के विश्वास के सामने अति आत्मविश्वास दिखाने के कारण ही यूपी बीजेपी को सिर्फ 33 सीटें मिली और सपा 37 सीटें जीतने में कामयाब हो गई।